कैलेंडर का ये हमारा दूसरा भाग है। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इसे देख रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले भाग में जो भी चीज़ें हमने समझाई है वो आपको पहले से आती रही होंगी, ठीक है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो प्रश्न लिखे गए हैं। ये दोनों प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब पहले पार्ट को देखें और उसके बाद अभी जो हम समझाने जा रहे हैं उसे आप अच्छे से समझें, तभी इन दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मोनू का जन्म 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था, यदि उस दिन रविवार था तो बताओ मोनू अपना जन्मदिन पहली बार रविवार को किस वर्ष मनाएगा, ये प्रश्न है। दूसरा, वर्ष 2019 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में आ सकता है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न या फिर बहुत सारे प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप अच्छे से समझें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और इन प्रश्नों को लगा पाएंगे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम आगे करवाएंगे उन्हें भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रश्न को अगर हम हल करें तो पहले प्रश्न में लिखा है 2 अक्टूबर 1993, तो आपको 2 अक्टूबर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि तारीख और महीने से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा वर्ष से मतलब है। तो जो भी वर्ष दिया गया है उस वर्ष को आप लिख दीजिए। तो क्या दिया गया है, 1993, और इसमें आप भाग कर दीजिए 4 का। 4 का इसलिए भाग करते हैं क्योंकि आमतौर पर जो लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है। फिलहाल यहाँ ट्रिक से है कि आपको 4 से भाग देना है, कोई भी होगा वर्ष, जब भी उसकी रिपीटेड की बात की जाएगी दोबारा से तो आपको 4 का भाग देना पड़ेगा। अब देखिए, ये दोबारा का मतलब क्या है, जैसे कि 2 अक्टूबर 1993 में क्या था, रविवार था, तो जब व्यक्ति जो बच्चा 2 अक्टूबर को पैदा हुआ वो 1994 में जब 2 अक्टूबर आएगा तो रविवार नहीं रहेगा, सोमवार रहेगा। अगर लीप वर्ष भी आ गया है तो हो सकता है कि मंगलवार हो जाए, लेकिन रविवार नहीं रहेगा, मतलब दिन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसका पहला जन्मदिन जो 1994 में आएगा उस दिन रविवार नहीं पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि उसका मतलब कब जन्मदिन आएगा जबकि रविवार ही पड़े, तो ये हमको सॉल्व करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे वर्ष में। देखो, 4 चौक क्या हो गया, 16, 19 में से 16 निकला कितना आया, 3, बगल में है क्या, 9, 39 हो गया, 4 9 36, 9 में से 6 निकला 3, 33, 4 7 28, 4 8 32, तो शेष क्या आ रहा है, 1। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, जो उत्तर आता है उससे कोई मतलब आपका नहीं है, मतलब आपका है शेष से। तो अगर जब भी आप शेष, देखिए 4 का भाग देंगे तो शेष या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4 से भाग देने पर 4 तो शेष आएगा नहीं, अधिकतम 3 आ सकता है या फिर 2 या 1 या फिर कुछ भी न आए, 0 आ जाए, मतलब कि पूरा का पूरा कट जाए। तो अगर मान लो 1 शेष आ गया तो 1993 जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट होगा 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। और अगर 2 आ गया तो 11 वर्ष बाद, अगर 3 आ गया तो भी 11 वर्ष बाद, और अगर 0 आ गया तो 28 वर्ष बाद। ये आपको ध्यान रखना है, 1 आ गया तो 6 वर्ष बाद, 2 3 आया तो 11 वर्ष बाद, और 0 आ गया तो 28 वर्ष बाद। तो जो ये 1993 था, ये इसमें शेष कितना आया, इसमें आया शेष 1, है ना। तो शेष 1 आया तो इसका मतलब कि हमें 1993 में 6 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 93 और 6 99, तो पहला ही विकल्प इसका सही है, क्या हो जाएगा, 1999 में, यानी वो लड़का 2 अक्टूबर को 1999 में जब अपना जन्मदिन मनाएगा तो उस दिन पहली बार रविवार पड़ेगा उसके जन्म के बाद। ये सवाल हो गई हमारी सवाल। दूसरा है, वर्ष 2019 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कोई भी बच्चा हो वो अपना जन्मदिन उसी दिन दोबारा कब मनाएगा, इसकी बात हो रही है। तो आपको क्या काम करना है, 2019 में भाग दे देना है, किसका, बस 4 का ही भाग देना है, 4 5 20, ठीक है, 1 4 0 में 0, 1 आया 9, 4 चौक 16, तो 19 में 16 निकला, इस बार कितना शेष आया, 3, और मैंने बताया था कि जब 3 शेष आए तो कितने वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होता है, 11 वर्ष बाद, यानी कि 2019 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, अर्थात 19 और 11 कितना होता है, 30,
यानी कि 2030 में ये कैलेंडर रिपीट होगा, अर्थात इसमें जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो दोबारा से 2030 में ही उनका दिन पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 को हिजरी संवत में बदलने पर कौन सा वर्ष आएगा? तो देखिए, पहले ही वीडियो में हमने बताया था हिजरी संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है ना, विक्रम संवत क्या होता है और गुप्त संवत क्या होता है। तो हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 ईस्वी से, 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब कि ईसा के जन्म के 622 साल के बाद हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ईस्वी वाला है यानी कि ग्रिगेरियन कैलेंडर वाला है उसमें हमें घटाना है क्या 622 को, क्योंकि 622 साल बाद कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, है ना, और ये पहले आया था ये बाद में आया है। तो जब भी ग्रिगेरियन कैलेंडर को हिजरी संवत में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए, 9 में से 2 निकला 7, 11 में से 2 निकला, देखिए 9 में से 2 निकला 7, 11 में से 2 निकला 9, फिर यहाँ बचा 9 में से 6 निकला 3, 1397। तो हिजरी संवत के हिसाब से क्या चल रहा है, 1397। अब मान लो हिजरी संवत न दे करके वो दे दिया होता कि शक संवत में बदलो, यानी कि शक संवत के हिसाब से 2019 में क्या लगा है, तो बस 2019 को लिख दीजिए। शक संवत की भी शुरुआत ईस्वी में हुई थी 78 में, है ना, तो 78 को क्या कर दीजिए, 78 को घटा दीजिए, सॉरी घटा दीजिए, 9 में से 8 निकला 1 और 11 में से 7 निकला 4, तो क्या आ गया 1941। शक संवत में क्या चल रहा है, 1941। अगर मान लो पूछ लिया होता विक्रम संवत में क्या चल रहा है, विक्रम संवत के हिसाब से तो 2019 में 57 साल को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो विक्रम संवत है वो ईस्वी के पहले शुरू हुआ था, तो जो पहले शुरू हुआ था वो जोड़ना पड़ेगा और जो बाद में शुरू हुआ था वो घटाना पड़ेगा। ये पहले वीडियो में है, सब जोड़ दीजिए, 9, 7, 16, है ना, 5, 1, 6, 1, 7, तो क्या हो चल रहा है, 2076 चल रहा है। अगला प्रश्न है, रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई, कहाँ पे भारत की बात हो रही है? तो बहुत सरल प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए। रविवार की छुट्टी जो है वो प्रारंभ हुई है 1843 ईस्वी से, ठीक है, 1843 ईस्वी से भारत में रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब आपको यहीं से ध्यान देना है और आपके वास्तविक कैलेंडर की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है, है ना। अब आगे के जो पार्ट में आएंगे, तीसरे चौथे पार्ट में, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसे प्रश्न लगाएंगे कि लिखा रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर 1947 को कौन सा दिन था, मतलब इस तरह से पूछेगा प्रश्न, या फिर डायरेक्टली पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के प्रश्न अब शुरू होने वाले हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहला प्रश्न है 5 जनवरी 2016 को रविवार था तो उस वर्ष कुल कितने रविवार पड़ेंगे, ये प्रश्न है। अब देखिए, आपको ये जानना है कि जो वर्ष होता है, यहाँ पे जो वर्ष दिया है वो 2016 का है, तो 16 क्या है, लीप वर्ष है, है ना, तो लीप वर्ष होता है और कैसा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। तो जो साधारण वर्ष होता है उसकी विशेषता क्या है कि उसमें होता है 365 दिन, 365 दिन में जब हम 7 का भाग करते हैं तो आता है 52 सप्ताह, कितना सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन, क्लियर, क्योंकि 52 बार तो चला जाएगा, देखो 365 में अगर हम 7 का भाग दे दें तो 7 × 5 = 35, 1 × 15 = 7, 2 = 14, शेष क्या बचा, 1, इसका मतलब 52 बार जा रहा है तो 52 सप्ताह हो गया और 1 शेष बच रहा है तो 1 दिन हो गया। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, इसी तरह से लीप वर्ष में 366 दिन होता है, तो क्या होगा, 52 सप्ताह + 2 दिन, क्योंकि 1 दिन बढ़ गया है तो यहीं 1 दिन बढ़ जाएगा। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है, अब इसी से आपकी सवाल ये लग जाएगी या फिर और कोई देगा तो 5 जनवरी 2016 को रविवार था तो पूछ रहा है कि उसी वर्ष कुल कितने रविवार पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें
जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले हमें पहली जनवरी हमेशा याद रखिएगा, यानी कि पहली तारीख को और दूसरी तारीख को जनवरी का हमें निकालना है कि कौन सा दिन पड़ रहा है। तो अगर जो पहली तारीख को पड़ेगा, अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, तो अगर जो पहली तारीख को दिन पड़ेगा वो उस साल कुल 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 53 बार, क्योंकि 52 बार तो सातों दिन आएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह होता है, तो 52 बार सातों दिन आएंगे, प्लस एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो एक दिन कौन होगा? जो पहली जनवरी को पड़ेगा। ठीक है, यानी पहली जनवरी को जो पड़ा वो 53 दिन आएगा, 53 बार आएगा, बाकी के किसी भी तारीख को जो दिन पड़ रहा है वो मात्र 52 बार आएगा। तो इस तरह से कोई भी दिन एक वर्ष में अधिकतम 53 बार और न्यूनतम 52 बार आ सकता है। अब अगर लीप वर्ष की बात करें तो जो एक तारीख को दिन पड़ेगा वो भी 53 बार आएगा, और जो दो तारीख को दिन पड़ेगा वो भी 53 बार आएगा, क्योंकि दो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, यानी कि पहली तारीख वाला भी रिपीट हो रहा है, दूसरी तारीख वाला भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न में क्या है, 2016, तो 2016 क्या है? लीप वर्ष है। क्लियर हो गया। अब हमें 5 जनवरी का दिया है, तो 5, 4, 3, 2, 1 निकाल लेना है। 5 तारीख को क्या है? रविवार, यानी कि संडे, तो इसका मतलब 4 तारीख को क्या होगा? संडे के पहले क्या होता है? सैटरडे, फ्राइडे, फ्राइडे के पहले थर्सडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे। इसका मतलब कि पहली तारीख को बुधवार पड़ रहा है तो बुधवार भी 53 बार आएगा, और बृहस्पतिवार 2 तारीख को पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार भी 53 बार आएगा। अब प्रश्न है कि रविवार कितनी बार आएगा, तो बुधवार और बृहस्पतिवार के अलावा सभी कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। तो उत्तर इसका क्या होगा? 52 बार रविवार आएगा। अगर इसी में पूछा होता कि बुधवार कितनी बार आएगा तो 53 बार, या बृहस्पतिवार कितनी बार आएगा तो वो भी 53 बार। ठीक है ना, आप समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा, और अगले वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम लोग दिन निकालना सीखेंगे, और वो भी बिना ट्रिक के, बिना किसी कोड के, डायरेक्टली।